क्यों फेल हो गई इंडियन मार्केट में महिंद्रा की सारी टू व्हीलर बाइक्स? आखिर कौन सी गलती की महिंद्रा ने कि वो इंडियन मार्केट में टू व्हीलर में अपनी जगह नहीं बना पाए? और क्या महिंद्रा ने पूरी तरह से इंडियन मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है? क्या आज भी वो इंडियन मार्केट में बने हुए हैं? बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा कंपनी के टू व्हीलर मार्केट में पूरे सफर के बारे में। दोस्तों, साल 2008 में महिंद्रा कंपनी ने कमर्शियल कारों के अलावा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी अपना कदम रखा। सबसे पहले महिंद्रा ने साल 2008 में काइनेटिक मोटर को खरीदा और इंडियन मार्केट में सबसे पहले सेंचुरो और पेंटेरो बाइक को लॉन्च किया। सेंचुरो बाइक क्वालिटी में तो ठीक थी, लेकिन इंडियन मार्केट में पहले से ही हीरो और बजाज जैसी कंपनियों की कम्यूट सेगमेंट की बाइक मौजूद थी, जिनसे ये मुकाबला नहीं कर पाई। और वहीं पेंटेरो बाइक, जिसे महिंद्रा ने 110 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया था, उसमें काफी टेक्निकल इश्यूज थे जिसे महिंद्रा कंपनी सॉल्व नहीं कर पाई। महिंद्रा ने अपने जिस टारगेट के साथ इन दोनों बाइक्स को मार्केट में उतारा था, उसे उसका रिजल्ट नहीं मिला और इनकी इतनी सेल भी नहीं हुई, जिसके कारण ये शोरूम में पड़ी ही रही। इसके बाद महिंद्रा ने एक बार फिर से कमबैक करने के इरादे से अपनी मोजो बाइक को लॉन्च किया। मोजो बाइक को महिंद्रा ने रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए लॉन्च किया। ये गाड़ी एडवेंचर और बाइक ट्रेवल करने वालों के लिए बनाई गयी थी। मोजो बाइक इंडिया में बनाई गयी पहली ड्यूअल चैनल एग्जॉस्ट वाली बाइक थी। लेकिन ये भी महिंद्रा ने एक गलती कर दी। महिंद्रा कंपनी ने इस बाइक को जो लुक दिया था, वो लोगों को पसंद नहीं आया और इसकी शुरुआत से ही भारी भरकम प्राइस भी लोगों को ठीक नहीं लग रही थी। और इसे भी लोगों का वही रिस्पांस मिला जो महिंद्रा को शुरू में मिला था। महिंद्रा की ये शानदार बाइक भी बुरी तरह से पिट गई। दोस्तों, अगर आपने कभी भी महिंद्रा की कोई बाइक देखी है तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताएं। अब महिंद्रा कंपनी को ये बात समझ में आ गई थी कि इंडियन मार्केट में कम्यूट सेगमेंट में हीरो होंडा और बजाज जैसी दमदार कंपनी की बाइक्स को कंपटीशन देना महिंद्रा के लिए आसान बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की। इस बार महिंद्रा ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मार्केटिंग में एंट्री की। उन्होंने साल 2016 में जावा, बीएसए और यसडी जैसी पावरफुल और लोगों की भरोसेमंद रही कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए और अपनी डूबती नैया को इन कंपनियों के सहारे पार लगाने की कोशिश की। और महिंद्रा की ये कोशिश सफल भी रही। महिंद्रा ने बीएसए की यूरोप मार्केट में री एंट्री करवाई और बीएसए गोल्ड स्टार, जो की बहुत पुरानी बाइक थी, उसे फिर से यूरोप में लॉन्च करवाया और इसका शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। जावा कंपनी, जिसने 1986 में ही भारत को अलविदा कह दिया था, उसके इंडियन मार्केट में एक बार फिर से एंट्री हुई। 80 के दशक में जावा कंपनी की जावा 255 और जावा 555 जैसी बाइक रूरल एरिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। महिंद्रा ने इन बाइक्स को उसी लुक के साथ एक बार फिर से लॉन्च करने का प्लान बनाया, जो सक्सेसफुल भी रहा। जावा कंपनी ने रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी की बाइक्स को भी कड़ा कॉम्पिटिशन दिया और आज भी इंडियन मार्केट में इनकी सेलिंग बढ़ती जा रही है। साल 2016 में महिंद्रा ने नए इंजन के साथ यसडी की रोड स्क्रैम्बल और एडवेंचर बाइक को लॉन्च किया। इन विंटेज बाइक्स का पुराना लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा था। अब बाइकर्स भी इन बाइक्स को प्रेफर्स करने लगे और हर साल इनकी कई हजारों बाइक्स की सेलिंग हो रही है। तो आपसे एक सवाल, आपने महिंद्रा की कौन सी बाइक चलाई है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, नाम दूसरों का ही सही, लेकिन आज भी महिंद्रा इंडियन मार्केट के साथ ही फॉरेन मार्केट में भी बनी हुई है। महिंद्रा के इंडियन मार्केट में फेलियर का सबसे बड़ा कारण इसका मोटा सर्विस नेटवर्क था, जिसके कारण ये लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाई और उन्होंने अपनी बाइक ऐसे सेगमेंट में लॉन्च की जहाँ पहले से ही इस सेक्टर के जॉइंट हीरो और बजाज जैसे ब्रांड्स मौजूद थे, जिनसे ये कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए। लेकिन महिंद्रा अपनी इस गलती को समझ गया और महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुद इस बात को बोला भी था। अपनी इस गलती से सीख लेते हुए महिंद्रा ने प्रीमियम सेगमेंट में जावा, बीएसए और यसडी बाइक को फिर से लॉन्च करके अब टू व्हीलर सेक्टर में भी अपनी पकड़ बना ली, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।